नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, बिहार में 5252 पदों पर नौकरी के लिए पंजाब में रजिस्टर वेबसाइट ने निकाल दिया फर्जी विज्ञापन, लाखों की कर ली ठगी। हां, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत बिहार ग्रामीण विकास प्राधिकरण में 5252 पदों पर नियुक्ति के लिए फर्जी विज्ञापन निकाल कर लाखों की ठगी की जा रही है। सहायक अधिकारी के 177, लेखपाल के 350, अभिलेख लिपिक के 1767, पंचायत सचिव के 1258 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1700 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इन सभी पदों के लिए 5200 से 20200 वेतन मान और 2800 से 1800 ग्रेड पी की जानकारी विज्ञापन में दी गई है। इन पदों पर 21 नवंबर से 19 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य वर्ग के आवेदकों से ₹450 UPI या QR कोड के जरिए लिए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक हजारों लोग इस धोखाधड़ी के शिकार होकर रुपये गंवा चुके हैं। साइबर अपराधियों ने प्राधिकरण के नाम से www.brdbihar.org.in से एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई है। इस पर सरकारी विभाग की द्वारा सारे आवश्यक लिंक भी दिए गए, मगर केवल ऑनलाइन आवेदन करने वाले लिंक को छोड़कर अन्य किसी भी लिंक पर कोई जानकारी नहीं है। इस वेबसाइट से जुड़े अन्य पेज भी नहीं खुल रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसके झांसे में ना आए। किसानों का 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान, अब पूरी दिल्ली को घेरेंगे। जी हां, कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का कल 9वां दिन था। सरकार के साथ को होने वाली बैठक से पहले किसानों ने कल बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की मीटिंग के बाद उनके नेता हरविंदर सिंह लखवाल ने यह जानकारी दी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई है। पिटिशनर ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से तुरंत हटाने के निर्देश दिए जाए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहर ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ है। पटना से चलने वाली राजधानी समेत 6 ट्रेनों का समय बदला, जाने नई टाइमिंग। जी हां, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के बाद गुरुवार से संपूर्ण क्रांति के समय में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन अब राजेंद्र नगर से शाम 7:25 में खुलेगी। वहीं शुक्रवार से राजधानी सहित 6 अन्य ट्रेनों के खुलने और पहुंचने के समय में बदलाव किया जाएगा। रेलवे ने सलाह दी है कि परेशानी से बचने के लिए यात्री वेबसाइट से समय का पता कर घर से निकले। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों को अब लगभग 2 घंटे से ज्यादा समय की बचत होगी। राजेंद्र नगर से पहले यह ट्रेन जहां शाम 5:40 में खुलती थी, वहीं अब यह ट्रेन शाम 7:25 खुलेगी। दूसरी ओर शुक्रवार से खुलने वाले राजधानी एक्सप्रेस के समय में भी 10 मिनट का बदलाव किया गया है। राजधानी एक्सप्रेस राजेंद्र नगर से शाम 7:10 में और पटना से शाम 7:30 खुलेगी। वहीं अगली श्रमजीवी एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचने में आधा घंटा कम समय लेगी। पटना में इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी तरह पटना हावड़ा जनशताब्दी पटना लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के समय में भी कुछ बदलाव किया गया है। इसके साथ ही दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन, मुजफ्फरपुर आनंद विहार स्पेशल ट्रेन और फरक्का स्पेशल ट्रेन के समय में भी आंशिक बदलाव किया गया है। CPRO राजेश कुमार ने बताया कि ट्रेन पकड़ने से पहले यात्री रेलवे की वेबसाइट पर समय का पता कर लेंगे, इससे वे किसी भी तरह की परेशानी से बच जाए। दिसंबर को सुशील मोदी लेंगे सर्टिफिकेट, राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील मोदी एकमात्र उम्मीदवार। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम नंदन की ओर से नहीं था कोई प्रस्तावक, नामांकन रद्द। राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुशील कुमार मोदी एकमात्र उम्मीदवार बन गए हैं। उनके खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार बने श्याम नंदन प्रसाद का नामांकन रद्द हो गया है। प्रस्तावक का नाम नहीं होने की वजह से स्क्रूटनी में श्याम नंदन प्रसाद की उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी 7 दिसंबर को राज्यसभा सांसद के तौर पर सर्टिफिकेट लेंगे।
पिता को माउंटेन मैन बनाने में मदद करने वाली दशरथ मांझी की बेटी लोंगिया नहीं रही, लंबे समय से थी बीमार। जी हां, माउंटेन मैन दशरथ मांझी जब पहाड़ का सीना चीरकर गहलोर से वाजीर गंगा रास्ता बना रहे थे, तब पहाड़ तोड़ने और पत्थरों को किनारे लगाने में एक नन्ही बच्ची भी उनका हाथ बटा रही थी। अब वह नहीं रही, लंबे समय से बीमार उनकी 70 वर्षीय पुत्री लोंगिया देवी ने कल दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोंगिया देवी के निधन पर शोक संवेदना जताई है। लोंगिया देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी, उनका मगध मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। बिहार में 20 साल में 93,000 से अधिक लोगों की हुई किडनैपिंग, 20% तक बढ़ गए अपहरण के मामले। जी हां, बिहार में अपहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार जहां ऐसी घटनाओं में कमी के दावे ठोक रही है, वहीं पुलिस के आंकड़े ही इसके पोल खोलते नजर आ रहे हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो 2020 में अपहरण में 19.8% का अपा हुआ है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामले में 125% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर पुलिस का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 20 साल में 93,138 लोगों का अपहरण हुआ है। इनमें सबसे अधिक घटनाएं महिलाओं से जुड़ी है। पिछले 6 सालों में फिरौती के लिए 376 लोगों का अपहरण किया गया है। सरकार के डीजल अनुदान बंद करने से किसानों की मुसीबतें बढ़ी, कृषि विभाग दे रहा है ये तर्क। जी हां, डीजल की कीमत में वृद्धि से पहले से ही बेहाल किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। बिहार में अब राज्य सरकार ने उनको डीजल अनुदान देना भी बंद कर दिया है। खरीफ में किसानों को डीजल अनुदान नहीं मिल रहा है, रबी में तो ऐसे ही कोई योजना नहीं है। डीजल की कीमत बढ़ने के साथ राज्य सरकार ने किसानों को मिलने वाले अनुदान की राशि भी बढ़ा दी है। सरकार किसानों को 3 सिंचाई के लिए प्रति लीटर 60 रुपए की दर से अनुदान देते थे, लेकिन लगभग 10 वर्ष हर साल चल रही यह योजना इस वर्ष बंद हो गई है। हालांकि लाभुकों की संख्या देखने से लगता है कि सरकार ने गत वर्ष की इस योजना को बंद करने से मन बना लिया था। गत वर्ष अनुदान के लिए 11,64,000 किसानों ने आवेदन किया था। सरकार का मानना है कि पिछले वर्ष खरीफ में हर नक्षत्र में वर्षा हुई थी, लिहाजा इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन रबी में योजना नहीं चलाने का तर्क ना तो सरकार दे पा रही है और ना ही कृषि अधिकारी। पटना के अस्पतालों में अब ऑनलाइन सेवा, डीएम कुमार रवि ने की शुरुआत। जी हां, पटना के अस्पतालों में कल से ऑनलाइन सेवा की शुरुआत। को सरल, सहज और जल्दी से मेडिकल सुविधाएं मिल पाए, इसके लिए अस्पताल प्रबंधन के सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है। पटना के डीएम कुमार रवि ने इस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। अब नई व्यवस्था लागू होने के साथ कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड तरीके से मेडिकल सुविधाओं की मॉनिटरिंग हो पाएगी। डीएम कुमार रवि ने प्राथमिक एवं प्रायोगिक तौर पर कल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में इस सेवा की शुरुआत की। पटना सिटी स्थित गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के साथ साथ फुलवार शरीफ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसकी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इसके तहत अब रोगी को अस्पताल पहुंचने पर उनका संजीवनी पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। इसके साथ ही संबंधित रोगी के इलाज के बारे में भी सभी जानकारी ऑनलाइन रहेगी, जिससे रोगी को दिखाने की तिथि, डॉक्टर का नाम, अस्पताल का नाम, जांच रिपोर्ट, सुझाव की गई दवा संबंधित अन्य तरह की डिटेल भी ऑनलाइन होंगे। आज की सबसे पहली खबर, गंगा पर अब एक और पुल। पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना जाना होगा आसान, घट जाएगी 3 राज्यों की दूरी भी। जी हां, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर से पटना आने जाने के लिए अच्छी खबर है। बिहार में गंगा नदी पर एक और पुल बनने जा रहा है। बेगूसराय के मटिहानी समूह के बीच बनने वाला यह पुल बिहार में गंगा पर 15वां पुल होगा। केंद्र सरकार ने थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसकी डीआरपी के लिए काम दे दिया है। इसके बाद डीपीआर बनेगी। गंगा नदी पर जो पुल बनेगा उससे पटना से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर आना जाना आसान होगा। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर NHAI ने जिस स्थान पर पुल बनाने की संभावना तलाशने का काम शुरू कर दिया था, वह रास्ता पहले समूह नेपाल मार्ग के नाम से जाना जाता था, मगर अब वह मटिहानी सामो पुल के नाम से जाना जाता है।
पीएम मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन की कीमत राज्य सरकार के लिए से होगा तय, जनहित का रखा जाएगा ध्यान। जी हां, कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की कीमत को लेकर राज्य सरकारों के साथ बात कर रही है। वैक्सीन की कीमत को लेकर फैसला जन स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किया जाएगा। राज्य सरकार की इसमें पूरी सहभागिता होगी। दुनिया की नजर कम कीमत वाली सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसीलिए स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। राज्य में अब सर्विस प्लस बिहार ऐप से बनेगा जाति आवासीय प्रमाण पत्र। नीतीश सरकार में पूरा हो रहा है डिजिटल इंडिया का सपना। जी हां, आरटीपीएस काउंटर पर डिजिटल इंडिया के तहत लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं का लाभ घर बैठे उपलब्ध कराने की शुरुआत की गई है। सर्विस प्लस बिहार ऐप के माध्यम से प्रखंड क्षेत्र के सभी आवेदक घर बैठे ऑनलाइन जाति आय निवास सहित अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत होने की जानकारी देते हुए नावकोटी बीडीओ निरंजन कुमार ने बताया कि इस सेवा की शुरुआत होने से ग्रामीण स्तर पर लोगों को फायदा होगा। इस सिलसिले में सभी पंचायत ने संचालित आरटीपीएस कर्मी को भी सर्विस प्लस के तहत आवेदन स्वीकार करने तथा निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड मुख्यालय में पद स्थापित कार्यपालक सहायक आरटीपीएस दुर्गेश कुमार ने कहा कि आवेदक अपने मोबाइल से सर्विस प्लस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ईमेल आईडी दर्ज कराना होगा। अगली बड़ी खबर, बिना मास्क ग्राहक दिखने पर दुकान होंगे बंद, युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का निर्देश। जी हां, जिस दुकान में ग्राहक बिना मास्क दिखे उस दुकान को उसी समय 3 दिनों के लिए बंद कराया जाएगा, साथ ही दंड भी वसूला जाएगा। जिस वाहन में बिना मास्क के लोग बैठे दिखेंगे उसे तत्काल जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस पर सख्त निर्देश जारी किया है। मास्क उपयोग अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने को कहा है। इसके साथ ही अभियान का नेतृत्व करने के लिए सभी अनुमंडल में एक एक टीम का गठन कर दिया गया है। जिला स्तर पर टीम पहले से ही गठित है, जिसके वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपर समाहर्ता अरुण कुमार सिंह है। नीतीश सरकार ने दी राहत, लर्निंग लाइसेंस के लिए अब 50 रुपए कम देने पड़ेंगे। जी हां, लर्निंग लाइसेंस के लिए अब 50 रुपए कम देने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने इस पर लगने वाले शुल्क में भी कमी की है। 790 की जगह अब इसके लिए केवल 740 रुपए देने होंगे। स्थायी लाइसेंस के लिए पहले की तरह ही 2300 रुपए लगेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरकर यदि आवेदक कंप्यूटर आधारित ट्रैफिक साइनेज टेस्ट के लिए पहले स्लॉट बुक कर लेता है तो फॉर्म के हार्ड कॉपी को जमा करने और फोटो खिंचवाने के साथ साथ उसी दिन वह अपना टेस्ट भी दे सकता है। उसके बाद लर्निंग लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद वह ऑनलाइन ही 2300 रुपए जमा करके ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करवा सकता है। बिहार में लर्निंग लाइसेंस लेने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने यह पहल की है। माना जा रहा है कि इससे लोगों को लर्निंग लाइसेंस लेने में आसानी होगी। पटना नगर निगम की नेक पहल, अब मजदूर नहीं मैन होल से रोबोट निकालेंगे कचरा। जी हां, निगम क्षेत्र में बने मैन होल की सफाई अब मैनुअल नहीं होगा और से इसकी सफाई होगी। निगम की ओर से जनवरी में मशीन की खरीदारी करने के बाद काम शुरू होगा। खरीदारी के लिए IOC ने CSR स्कीम के तहत 40 लाख रुपए दिए हैं। गुरुवार को मेयर सीता साहू की उपस्थिति में मशीन की खरीदारी के लिए निगम व IOC के बीच समझौता पत्र पर नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा व IOC के उप महाप्रबंधक प्रमोद रंजन ने हस्ताक्षर किए। भविष्य निधि की शिकायत दूर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख 28 फरवरी तक बढ़ी। जी हां, अब पेंशन की हर टेंशन एक मैसेज में खत्म हो जाएगी। कर्मचारियों से जुड़ी हर समस्या के समाधान को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर से सभी समस्या का समाधान बस मैसेज मिलते ही कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल में पेंशन में बाधा नहीं हो इसके लिए भी कई बदलाव किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आयुक्त रजनीकांत सिन्हा का कहना है कि कोरोना काल में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करने को लेकर व्हाट्सएप नंबर 7004042119 जारी किया गया है। इस बार पेंशन को लेकर कर्मचारियों की हर टेंशन एक शिकायत पर दूर हो जाएगी। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब